हेलो फैमिली, मैं दिलीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल कीप ग्रो प्रॉपर्टी में। फैमिली, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नया प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। इसका नाम है श्रीनिधि हाइट बीविंग। इसके पहले भी मैंने इसका एक वीडियो बनाया था, बट उस टाइम पे प्रोजेक्ट उतना रेडी नहीं था। अभी ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट जो है वो रेडी हो चुका है। कुछ ही टाइम में इसका जो है पोजिशन हम सब देने वाले हैं और यहाँ पे बहुत ही कम यूनिट बचा है, तो आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ। ये एक बार प्रोजेक्ट देखे, उसके पहले मैं आप सभी को सैंपल दिखाता हूँ एंड लोकेशन दिखाता हूँ, रोड दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट पे आप आ सकते हैं। उसके बाद मैं आप सभी को इसका एंट्रेंस लॉबी दिखाता हूँ, प्रोजेक्ट का एलिवेशन दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आप सभी को इसका सैंपल फ्लैट दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आप सभी को इसका सारा डिटेल्स दूंगा। तो आइए फैमिली, चलते हैं हम सभी, पहले इसका फ्लैट का वीडियो देखते हैं। फैमिली, ये जो रोड देख रहे हैं ये मीरा रोड से रोड आ रहा है रामदेव पार्क से। आप देख सकते हैं यहाँ पे बस स्टॉप है, ये KDM पार्क का बस स्टॉप है। आप यहाँ से आ सकते हैं और ये जो चार रास्ता है यहीं से यहाँ पे लेफ्ट में प्रोजेक्ट है। बट यहाँ पे देख सकते हैं 7-Eleven क्लब है और LR तिवाली और राहुल इंटरनेशनल सेंट थॉमस स्कूल भी यहीं पर आता है। यहीं से हम लोग को प्रोजेक्ट के ऊपर जाना है। प्रोजेक्ट के ऊपर जाने के लिए ये रास्ता है यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जो रोड देख रहे हैं ये 60 फीट का हाईवे है जो कि JP नॉर्थ के पीछे से ये रोड आ रहा है। जो 200 फीट की जो पीछे से रोड आ रही यही रोड है जो भाइंडर जैसल पार्क को कनेक्ट करेगा। और ये रोड जो है नागा वसई विरार में भी जाके ये कनेक्ट होने वाला है। सामने आप देखेंगे पूरा मैंग्रोव है। ये बिल्डिंग से आपको जो है व्यू, आपको बहुत ही क्लियर व्यू मिलने वाला है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसी श्रीनिधि हाइट की, ये ए विंग है जो बन के रेडी हो चुका है और अभी हम लोग ये बी विंग की बात कर रहे हैं, यही प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए हम आप सभी को और भी इसका एंट्रेंस लॉबी और फ्लैट्स दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि ये वाला बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर देख सकते हैं काफी रेडी हो चुका है। इसका काम जो है ऑलरेडी 20 से 21 माले तक काम इसका हो चुका है। 30 माले की बिल्डिंग है और ये इसका गेट रहने वाला है। और ए विंग का ये गेट है, नीचे जो आप देख सकते हैं कमर्शियल है और ए विंग का ये वाला कॉम्प्लेक्स है। एंड हम लोग ये बी विंग के कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं। अभी तो काम चल रहा है इसकी वजह से इस तरीके से ये चीज़ें दिख रहा है, बट बनने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी अच्छा होने वाला है। नीचे ये सब कमर्शियल होने वाला है फैमिली। तो यही मैं आप सभी को दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर स्टैक पार्किंग का ये प्रोविज़न दिया हुआ है, तो स्टैक पार्किंग का प्रोविज़न ही रहेगा। और यहाँ पर जो इसका एम्यूनिटीज वगैरह थोड़ा बहुत जो है नीचे जो साइड पर रहता है वो आएगा और ये इसका एक्चुअल गेट होगा। तो आइए अभी मैं आपको दिखाता हूँ नीचे से जो एक्चुअल एंट्रेंस लॉबी है वो। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पे सेक्रेटरी कैबिन ये बनाया हुआ है। अभी काम चल रहा है तो जिस तरीके से नए नए तरीके से अभी हो रहा है तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें चल रही है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे दो लिफ्ट है और स्टेयर केस का प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है। सामने एक डेक एरिया है, उसके बाद फैमिली आप इधर आते हैं तो एक 1 BHK आपको इधर मिल जाता है, 2 BHK आपको इधर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक 1 BHK का फ्लैट मिल जाएगा जिसके आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं। फैमिली, मैं आप सभी को बता दूँ ये मैं टेरेस फ्लैट का वीडियो बना रहा हूँ, बट टेरेस फ्लैट अवेलेबल नहीं है। इस का सैंपल बना हुआ है, ये फ्लैट बना हुआ है, इसके लिए बना रहा हूँ। अभी हम लोग अंदर आते, ये है इसका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया की अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 फीट की चौड़ाई है। वही अगर लंबाई की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 16 फीट की लंबाई मिल जाती है। ऊपर आप देखते हैं फॉल सीलिंग का काम बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। टेरेस फ्लैट है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टेरेस है ये बालकनी रह जाएगी। ऊपर जाने के बाद यहाँ तक आपकी बालकनी आ जाएगी, यानी लगभग लगभग आपको 3.5 फीट की यहाँ पे बालकनी मिल जाएगी। यहाँ से अगर अभी देखते हैं तो काफी क्लियर भी रोड फेसिंग का फ्लैट आपको मिलता है। सामने क्रिक व्यू आपको दिखता है जो कि काफी बढ़िया और काफी शानदार होने वाला है। यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि ये प्रोजेक्ट जो है टोटल हिंदू लोकैलिटी है। उसके बाद यहाँ पे अभी बिल्डिंग का काम चल रहा है, 20 से 21 माले तक काम हो चुका है। 30 माले की बिल्डिंग है, ऊपर के काम बाकी है और यहाँ पे हर बैंक से लोन अप्रूवल है। उसके बाद हम लोग लिविंग एरिया से थोड़ा सा आगे आते हैं तो आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे वॉशरूम एंड टॉयलेट देखने के लिए मिलता है। एंड आगे आप जाके देखेंगे तो थोड़ा सा आपको एक डक एरिया मिल जाता है जो कि आप अपने इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। उसके बाद सामने आप एक किचन मिलता है, किचन का भी प्लेटफॉर्म फैमिली रेडी नहीं हुआ है, बट यहाँ पे हम आपको मॉड्यूलर किचन करके देने वाले हैं।
ये जो एरिया देखते हैं ये फ्रिज का एरिया है। उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक बालकनी मिल जाता है। अभी आप इसको ड्राई स्पेस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ड्राई स्पेस आपको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है फिर भी आपके पास दूसरा प्रोविजन है। दूसरा प्रोविजन मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप जो ये वाला एरिया देख रहे हैं आप यहाँ पे भी वॉशिंग मशीन का प्रोविजन रख सकते हैं। आपकी सुविधा के हिसाब से आप यहाँ पे रखें या वहां पे रखें। अगर आप वॉशिंग मशीन वहां पे रख रहे हैं तो आप यहाँ पे एक आराम से अपने लिए एक बेसिन बना सकते हैं, तो जो कि बहुत ही यूजफुल एरिया इसमें काम होने वाला है। अभी हम लोग ये बेडरूम के अंदर आ गए। बेडरूम के अंदर हम लोग देखते हैं कि पहले ही गेट के पास अभी यहाँ पे कवर्ड स्पेस मिल जाता है। कवर्ड स्पेस 4 से 5 फीट की मिल जाती है। फैमिली में आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जिस फ्लैट के अंदर अगर कवर्ड स्पेस मिलता है तो वो फ्लैट का जो एरिया है काफी अच्छे से यूज होता है। उसके बाद फैमिली यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको वॉशरूम एंड टॉयलेट मिल जाता है। वॉशरूम एंड टॉयलेट देखेंगे काफी इटालियन मार्बल्स और जैगवार्स फिटिंग के साथ में ये दिया जा रहा है। और इसमें मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें 24 घंटा पानी है। उसके बाद फिर भी एक इमरजेंसी सेवा के लिए आप देखेंगे वहां पर टाकी का लॉफ्ट बना के दिया हुआ है जो कि काफी शानदार काफी बेहतरीन है। एक आपको एरिया यहाँ पे भी दिया गया हुआ है कि यहाँ पे भी आप कवर्ड स्पेस अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे 1.5 फीट की बालकनी मिलती है। यहाँ से भी आपको पूरा सी व्यू का फेसिंग यहाँ से देखेंगे मिलेगा। अभी काम चल रहा है करके एक लगा हुआ है, जाली जो है लगा हुआ है। बाकी आप सभी आइए, आप सभी को मैं फ्लैट दिखाता हूँ। आइए इसके बाद मैं इसका 2 BHK दिखाता हूँ। फैमिली आप सभी को मैं बता दूं कि इसमें ये फेसिंग का भी फ्लैट है और CTB का भी फ्लैट है। मैं आप सभी को ये बता देता हूँ कि सी फेसिंग का जो फ्लैट है, क्रिक भी जो फेसिंग का फ्लैट है, इसमें ज्यादा अवेलेबल नहीं है। इसमें मात्र और मात्र सिर्फ 2 ही फ्लैट अवेलेबल है। तो आइए फैमिली आपको मैं एक लुक वो दिखाता हूँ कि जब हम फ्लैट से बाहर आते हैं तो किस तरीके से फ्लैट का नजारा दिखता है। आइए दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं ये इसका पैसेज एरिया है और ये लिफ्ट का एरिया है, और यही पे ये जो है ये फ्लैट है। ये फ्लैट का लिविंग एरिया है। अभी जो है इसके अंदर काम चल रहा है, इसके लिए मैं अच्छे से आपको दिखा नहीं पा रहा, बट फिर भी मैंने कोशिश किया है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके तक ये वीडियो पहुंचे, वो देख सके कि किस तरीके का काम चलता है इसके अंदर। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन काम है फैमिली इसके अंदर। मैं आप सभी को बता दूं ये इसका 2 BHK का एरिया है। 2 BHK है ये, कॉम्पैक्ट 2 BHK इसको बोल सकते हैं। और ये इसकी बालकनी है, जो बालकनी बेडरूम से भी अटैच रहेगा और लिविंग एरिया से भी अटैच रहेगा। आप सब व्यू देख सकते हैं, पूरा क्रिक व्यू आपको मिलता है। आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा व्यू आपको जो है यहाँ से मिल रहा है। बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्ट है जहाँ से इतना अच्छा नज़ारा देखने के लिए आप सभी को मिलता है। आप सभी देख सकते हैं ये जो है इसका लिविंग एरिया है। और अभी इसका जो कॉम्पैक्ट जो छोटा वाला जो बेडरूम है, ये बेडरूम देख सकते हैं 10.5 फीट लंबा और 8 फीट की चौड़ाई में ये बेडरूम है। आपको मैं दिखाता हूँ एक बार अच्छे से, आप सभी ये देख सकते हैं। और यहाँ से देखिए बेडरूम से कितना क्लियर व्यू आपको मिलता है। आप देख सकते हैं फैमिली, मीरा रोड के अंदर सी व्यू का फ्लैट। उसके बाद अभी मैं दिखाता हूँ इसका किचन और इसका जो मास्टर बेडरूम है वो ये एरिया देख रहे हैं। यहाँ से इसका कॉमन वॉशरूम एंड टॉयलेट यहाँ पे आ जाता है ये वाला, और ऊपर टाकी का लॉफ्ट दिया हुआ है। और ये इसका किचन का एरिया है। किचन आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। उसके बाद ये जो है इसका ड्राई एरिया है। ड्राई एरिया भी देखेंगे काफी अच्छा खासा 4 फीट का स्पेस दिया हुआ है। उसके बाद ये आ जाता है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में एंटर करते ही पहले राइट साइड में आपको वॉशरूम एंड टॉयलेट यहाँ पे मिल जा रहा है, जिसका कि अभी काम चल रहा है। और ये इसका बेडरूम का साइज है। बेडरूम का साइज देखेंगे काफी अच्छा खासा साइज है, 10x10 का बेडरूम है। उसके बाद भी कवर्ड स्पेस दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको एक बालकनी मिल जाती है। बालकनी आपको कम से कम यहाँ 5 फीट की बालकनी मिल जाती है, जो कि यहाँ से देखेंगे कितना क्लियर व्यू आपको मिल रहा है। आपने देख लिया कि ये सी व्यू का फेसिंग है, माउंटेन फेसिंग। अब ये देखिए CTV फेसिंग, पूरा मीरा रोड, बोरीवली, दहिसर, यहाँ से हर लोकेशन यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसा कि देख रहा है ये माउंटेन फेसिंग का फ्लैट है, CTV फ्लैट आप इसको बोल सकते हैं, जो कि काफ़ी शानदार और काफ़ी बढ़िया ये फ्लैट है। यहाँ से देख सकते हैं ये एल साइज की ये बालकनी है। इधर तो मैं जा नहीं सकता हूँ, बट आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। आप ये व्यू देख सकते हैं कितना याहू और कितना क्लियर व्यू आ रहा है फैमिली, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। आप सभी से गुजारिश है आप सभी एक बार आइए और यहाँ पे विजिट कीजिए। ये फ्लैट को देखिए, काफ़ी शानदार और
काफी अच्छा और काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि जब भी इससे बाहर आते हैं फ्लैट से तो किस तरीके का नजारा आता है फ्लैट के अंदर से। फैमिली आप सभी ने तो वीडियो देख लिया फ्लैट का और लोकेशन का भी, कितना अच्छा और कितना बेहतरीन ये प्रोजेक्ट आ रहा है। आइए अब मैं आप सभी को इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है श्रीनिधि हाइट बीविंग। आप सब देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका एलिवेशन आने वाला है, बनके जो रेडी होने वाला है ये तरीके से आने वाला है। आप सभी को मैं इसके अंदर बता दूं, आप जो ये ग्रीनरी एरिया जो ये देख रहे हैं ये 18 माले पे है। यहाँ पे टोटल एमिनिटीज आने वाली है। एमिनिटीज में स्विमिंग पूल नहीं है, बाकी क्लब हाउस मिल जाता है आपको, जिम मिल जाता है, किड्स प्ले एरिया मिल जाता है, गार्डन मिल जाता है, जो कि 18 माले के ऊपर मिल रहा है। फैमिली आप समझ सकते हैं ये कितना प्रीमियम और कितना लग्जरियस होने वाला है। अभी इसी के अंदर मैं आप सभी को दिखाता हूं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था ग्राउंड प्लस टू इसका कमर्शियल आ रहा है। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड प्लस टू इसका जो है वो कमर्शियल आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको 30 माले की बिल्डिंग मिल रही है जो काफी खूबसूरत बिल्डिंग है। इसमें आपको दो तरीके के व्यू मिल जाता है, एक आपको सी व्यू फेसिंग मिल जाता है और दूसरा फ्लैट आपको सिटी व्यू मिल जाता है। मैंने दोनों तरफ का भी फ्लैट आपको दिखाया, एक 1 BHK आपको मैंने दिखाया जो सी फेसिंग का फ्लैट था और दूसरा आपको मैंने 2 BHK दिखाया था जो कि सिटी व्यू था, साथ में सी व्यू था, साथ में माउंटेन व्यू था। तो आपने देखा कितना अच्छा और कितना बढ़िया ये प्रोजेक्ट है। ये टोटल हिंदू लोकैलिटी है और ये इंद्रलोक फेज 6 के अंदर आते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट पे आने के लिए आप और ज्यादा लोकेशन ढूंढते हैं तो आप केडी एम्पायर बस स्टॉप बोल सकते हैं, या फिर LR तिवारी इंजीनियरिंग कॉलेज बोल सकते हैं, या फिर 7-11 क्लब बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आ गए तो समझ लीजिए कि ये प्रोजेक्ट पे आप पहुंच गए, क्योंकि यहाँ से ये प्रोजेक्ट महज 2 से 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट मिल जाता है। इसमें आपको दो तरीके के फ्लैट देखने के लिए मिल जाता है, 1 BHK और 2 BHK। पर फ्लोर पे यहाँ पे 4 फ्लैट है, 2 फ्लैट 1 BHK की है और 2 फ्लैट 2 BHK की है। फैमिली 1 BHK की अगर मैं कार्पेट की बात करूं तो 540 स्क्वायर फीट आपको यूजेबल कारपेट मिल जाता है, जिसका प्राइस जाता है 6256, यानी 62,56,000 के फ्लैट कॉस्ट पे ही आपको मिल जाता है। वही अगर मैं पैकेज की बात करूं तो 71,50,000 के पैकेज में मिल जाता है। वही 2 BHK की अगर मैं कारपेट की बात करूं तो आपको इसका जो यूजेबल कारपेट है वो 706 यूजेबल कारपेट है। वही अगर मैं बात करूं इसकी प्राइस की, फ्लैट कॉस्ट जाता है 86,80,000 रुपया। वही ऑल इन की प्राइस की बात करूं तो वो जाता है 1,05,00,000 रुपए का। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार ये प्रोजेक्ट है। इसमें आपको 3 लिफ्ट मिल जाता है और 2 स्टेयरकेस मिल जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बहुत ही कम जगह पे 2 से ज्यादा जो है वो लिफ्ट मिलता है, यहाँ पे आपको 2 से ज्यादा एक लिफ्ट मिल रहा है, यानी टोटल आपको 3 लिफ्ट मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। फैमिली आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप सब एक बार आइए और इस प्रोजेक्ट को विजिट कीजिए, ये फ्लैट को देखिए और इसके लोकेशन के देखिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसा कि मैंने आपको रोड से भी दिखाया था कि ये 60 फीट रोड हाईवे है, तो जेपी नॉर्थ पीछे से ये रोड आता है। फैमिली यहाँ जेपी नॉर्थ वाला जो रोड जो कनेक्ट हो रहा है उसके अंदर, वो भाईंदर जैसल पार्क के पास निकल रहा है वो रोड, जो कि फ्यूचर में नायगांव वसई बिरार को कनेक्ट करने वाला है। अगर आप नायगांव वसई भी जाना चाहते हैं तो ये रूट से आप मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट के अंदर पहुंच सकते हैं, बट ये इन फ्यूचर है, काम चालू है अभी। ये बहुत ही जल्दी 1-2 से 3 साल के अंदर ये रोड भी चालू हो जाने वाला है। तो बहुत ही बढ़िया आप बोल सकते हैं ये कि हाईवे टच ये प्रोजेक्ट है। इसकी कनेक्टिविटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको स्कूल मिल जाता है, LR तिवारी इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाता है, RBK स्कूल मिल जाता है, राहुल इंटरनेशनल स्कूल मिल जाता है, सेंट थॉमस स्कूल मिल जाता है। ये सब आपको 1 से 4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाता है। वही अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं, गैलेक्सी हॉस्पिटल मिल जाता है, ऑरेंज हॉस्पिटल मिल जाता है, वकार्ड मिल जाता है, भक्ति वेदांत मिल जाता है, ये सब सारा हॉस्पिटल जो है यहाँ से